नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी UPL की सेंचुरियन दवा आ रही है और स्वाल की कनोरा, उसका असर कैसा रहता है, उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। मतलब आप देख सकते हैं, इसमें हमने 2 अगस्त को स्प्रे किया था और आज है 7 अगस्त, मतलब 5 ही दिन हुए हैं और कचरा बिल्कुल सूख के नीचे गिर गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल कचरा नष्ट हो गया है। हालांकि आपको यहाँ पर कहीं कहीं सोयाबीन पे भी दाग दिख रहे होंगे, तो वो सोयाबीन पे दाग इसलिए हैं कि छोटा कचरा भी है। तो वो किसान साथियों, हम लोगों ने ऐसी जगह को पॉइंट करके जहाँ पर छोटा कचरा ज़्यादा संख्या में था, इस स्प्रे में साथ में सिजेंटा की फ्यूजी फ्लेक्स भी मिलाई थी। तो जिस वजह से सोयाबीन की हाइट ज़्यादा होने से और ज़्यादा एक टाइप के छत्ता सा बन गया है, उस वजह से ज़्यादा दवा ऊपर ही रह गई है फ्यूजी फ्लेक्स, जिस वजह से सोयाबीन पर भी थोड़ा असर दिख रहा है। बाकी जहाँ ओनली सेंचुरियन दवा डाली है, वहाँ पर सोयाबीन पे बिल्कुल भी असर नहीं है और कचरा बिल्कुल नष्ट हो गया है। आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि क्या वो दवा फूल के टाइम भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, फूल के टाइम पर कोई भी वैज्ञानिक लोग नहीं बोलते हैं कि फूल के टाइम पर हम हर्बिसाइड, खासतौर से हर्बिसाइड दवा स्प्रे करें, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ का अलग होता है। कोई कितनी भी कम मात्रा में दवा हो, लेकिन थोड़ा सा उसकी ग्रोथ तो रोक ही देती है। तो फूल के टाइम पर ना करें स्प्रे, फूल से पहले कर दें या बाद में कर दें, जब उसमें फलियां लगने लगती हैं तब भी सेंचुरियन दवा स्प्रे आप कर सकते हैं। बड़ा कचरा भी हो जाएगा तब भी वो उसको नष्ट कर देगा। पिछले साल मैं लाइव प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे रिजल्ट थे। बड़ा कचरा हो गया था, सोयाबीन से ऊपर भी निकल गया था, तब भी उसको नष्ट कर दिया था। तो आप चाहें तो फूल ख़त्म होने के बाद, मतलब जब फलियां बनने लगती हैं और फलियां बन चुकी होती हैं, तब भी स्प्रे कर सकते हैं, तो कचरा वहां पर नष्ट हो जाएगा। बाकी कोशिश करें कि फूल के टाइम पर स्प्रे ना करें। फूल के टाइम पर आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना होगा कि आप यहां पर किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा NPK 0:52:34 ले सकते हैं। साथ में इंसेक्टिसाइड आपको ज़रूर ही डालना है, इंसेक्ट का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं होने देना है, किसी प्रकार का कीट नहीं लगने देना है, तभी हमारा फूल जो है अच्छी संख्या में आएगा और स्वस्थ रहेगा पौधा, तो फल भी ज़्यादा ही लगेंगे। क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा नाजुक होता है यहाँ पर, तो उसको कीट बहुत आसानी से खा लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कीट का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारी ब्लैक बोल्ट वेराइटी है और इसमें फूल आने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, फूल यहाँ पर आने लगे हैं। और इस साइड ये थोड़ी सी लेट वेराइटी है, ये है JS 2116, तो इसमें फूल थोड़ा लेट आएगा क्योंकि ये ज़्यादा दिन की वेराइटी है। बाकी ब्लैक बोल्ट में फूल आने लगे हैं। आपके यहाँ भी क्या स्थिति है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट या आपकी स्टेट का नाम ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।